एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लें जो स्टेट एग्जाम्स में बहुत आता है और नीट में बहुत आता है और एनडीए में जो केमिस्ट्री का पोर्शन आता है उसमें बहुत पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। बच्चों को यही नहीं मालूम सॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं। सॉल्ट के बारे में हर वो प्रॉपर्टी और हर चीज पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है और बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता दें जल्दी से, आप सबको मालूम होगा एसिड प्लस बेस हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट फोर टाइप्स के होते हैं, पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा डबल सॉल्ट, तीसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और फोर्थ मिक्स सॉल्ट। आईआईटी तक में इसके एग्जाम्पल्स पूछ लिए घुमाकर, तो प्लीज बी रेडी। सिंपल सॉल्ट याद रखिए, दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, पहला नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा एसिड सॉल्ट, तीसरा बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, ये सॉल्ट नॉर्मल होते हैं और इनमें रिप्लेसिबल एच प्लस या रिप्लेसिबल ओ एच माइनस नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल NaCl, NaNO3, Na2HPO3। मैंने Na2HPO3 क्यों लिया, बच्चे कहेंगे इसमें तो H प्लस दिया है रिप्लेसिबल, नहीं ये रिप्लेसिबल नहीं है। कैसे, क्योंकि Na2HPO3 किस एसिड से आया हुआ है, ये आया हुआ है H3PO3 से और H3PO3 एक डाई बेसिक एसिड है, मतलब है तो इसमें तीन हाइड्रोजन लेकिन रिप्लेस किए जा सकते हैं सिर्फ दो, और वो दोनों ऑलरेडी किसने रिप्लेस कर दिए, सोडियम ने। तो आप समझ में आया कि Na2HPO3 नॉर्मल सॉल्ट क्यों हो गया, क्योंकि जो H बच रहा है इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ओके? फिर आता है एसिड सॉल्ट। दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है ये तब बनते हैं। ओके? अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इसका मतलब इनमें रिप्लेसिबल H प्लस आयन होगा, एक या एक से ज्यादा। एग्जाम्पल NaHCO3, ये किस एसिड से आया, H2CO3, और H2CO3 डाइबेसिक होता है, मतलब उसमें दो रिप्लेसिबल H प्लस होने चाहिए, लेकिन इसमें एक ही रिप्लेस हुआ है सोडियम से, बाकी जो एक H है NaHCO3 में उसे आगे जाके रिप्लेस किया जा सकता है। इसी तरीके से NaHSO4 और NaH2PO4। आई होप इट इज क्लियर। ओके? फिर आता है बेसिक सॉल्ट, ये भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, तो इसका मतलब इनमें रिप्लेसिबल OH माइनस आयन होगा। एग्जाम्पल ZnOHCl, दूसरा एग्जाम्पल MgOHBr। ZnOHCl किससे आया हुआ है, ZnOH होल ट्वाइस से, ये एक ऐसा बेस है जिसमें दो OH माइनस है जो रिप्लेसिबल है, जिसमें से एक रिप्लेस कर दिया Cl ने लेकिन अभी भी एक OH रिप्लेस किया जा सकता है, इसीलिए इसे हम बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट टाइप के सॉल्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट आता है डबल सॉल्ट्स। क्या होते हैं, द एडिशन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, जब दो सिंपल सॉल्ट ऐड करते हैं उसकी वजह से जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। ये स्टेबल होते हैं याद रखिएगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में, जैसे ही हम इनको लिक्विड या पानी में डालेंगे ये इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 0.24H2O। क्या है ये, आपका पोटैश एलम। ओके? ये एक डबल सॉल्ट होता है। अगर हम पोटैश एलम को वाटर में डालें तो वो ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके इंडिविजुअल आयंस दे देगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है डबल सॉल्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब जब सिंपल सॉल्ट या सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनते हैं। अब डिफरेंस क्या है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में और डबल सॉल्ट में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन में भी और सॉलिड स्टेट दोनों में। अगर हम उनको सॉल्यूशन या पानी में डालें तो वो ब्रेक तो होंगे लेकिन जितनों से बना था उसमें ब्रेक नहीं हो। ओके? मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, K4FeCN6, अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये ब्रेक होगा 4K+ और उस कॉम्प्लेक्स आयन में, इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अगर ये एक डबल सॉल्ट होता तो ये इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाता, मतलब पोटेशियम अलग, आयन अलग और साइनाइड अलग, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप देखिए पोटेशियम एक जगह जा रहा है और आयन और साइनाइड एक जगह जा रहा है टोटल, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है।
फिर आता है मिक्स सॉल्ट। ये क्या होता है? ये एक ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कैटायन हो या एक से ज्यादा एनायन हो। ओके, एग्जांपल देखिए, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा? Ca2+, Cl- और OCl-। कितने एनायन निकल के आए? दो, एक Cl- और OCl-। तो इसको बोलेंगे मिक्स सॉल्ट। एक और एग्जांपल ले लीजिए, NaKSO4, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होगा Na++K++SO4-2-। इसमें कितने कैटायन है? दो, Na+ और K+, इसीलिए एक मिक्स सॉल्ट हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक एक छोटा छोटा जेस्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।